सरोज के परिजनों द्वारा डेड बॉडी को कलंदरी गेट ऑल जीटी रोड पर रखकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग उठाई गई कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वह डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। यहां हम आपको बता दें कि होली के मौके पर सरोज के छोटे भाई के साथ कुछ युवकों की लड़ाई हो गई थी, जिसमें सरोज के छोटे भाई को काफी चोटें आई थी। उसी लड़ाई के बारे में जब बड़ा भाई सरोज उन युवकों से बात करने गया तो युवकों ने लाठी डंडों के साथ उसके सिर पर हमला कर दिया, जिसमें उसको गहरी चोटें आई। बाद में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, इसीलिए यहां शव रखकर जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस सिटी थाना इंसास ने आरोपियों को दो दिन के अंदर पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों द्वारा शव को संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं देखने वाली बातें होगी कि आपसी झगड़े में एक परिवार का चिराग बुझ गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक सरोज के दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए, जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। वहीं परिजन दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं सिटी थाना पुलिस इंचार्ज ने बताया कि होली के दिन कुछ युवकों के बीच आपस में लड़ाई और झगड़ा हो गया था, जिसमें सरोज को गहरी चोटें आई थी। उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, परंतु एक दिन बाद सरोज ने दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा इस मामले में 302 धारा लगाकर मामला दर्ज किया गया एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस ने जो दो दिन का आश्वासन दिया है, क्या पुलिस दो दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। मैंने कहना भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहाँ मत लगाओ, इनके साथ इंसाफ चाहिए, पुलिस हमारे साथ इंसाफ करे, बंदे को पकड़े। पुलिस से हमने बात की है, वो कह रहे हैं हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो लड़के का क्या नाम है और कब लड़की है? लड़का जो मरने वाला है उसका नाम सरोज कुमार है। गोविंद कुमार को चोट लगी हुई है, उसको अभी हॉस्पिटल से लेके आए हैं। और जो मारने वाले हैं, एक सोनू है, एक गोपाला है, दो नाम इन्होंने और बताया। होली वाली रात को कहाँ पे एडमिट कराया था? पहले सिविल हॉस्पिटल लेके थे कल्पना चावला में, ट्रामा सेंटर में। उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया, रेफर कर दिया। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो बॉडी रख के जाम लगा दिया है? बॉडी रख के जाम लगाया, इनको शायद ये गलतफहमी है, पुलिस ट्रेस आउट नहीं कर रही। बाकी मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, वो कहते हैं हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय इसमें चाहिए। हमने बंदे भी पकड़ने, रिकवरी भी करनी, सब कुछ करने, इसमें पुलिस को टाइम चाहिए। हम इनसे बात करते हैं, आप ऐसा मत करो भाई, पुलिस को अपनी कार्रवाई कर। पुलिस झगड़ा हो गया था, उसके संबंध में हमने FIR दर्ज कर दी थी। कल इसमें हमने 307 ऐड कर दी थी। उस बच्चे का सुबह एक्सपायर हो गया, उसने हमने 302 ऐड कर दिया। हम बहुत नज़दीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। विद इन 1 or 2 days हम इस सर दो भाई ने मैं एक दो अन्य, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बता पाऊंगा। विद इन 1 or 2 days हम इसको। सर हुआ क्या था, क्या नाम था जिसकी मौत हुई? ये सरोज है लड़का, इसके साथ झगड़ा हो गया होली वाले दिन। हाँ जी, हाँ जी। ये होली का दिन है, पहले एक भाई की टांगे तोड़ के थे, दूसरा भाई क्या कहता मेरे भाई को क्यों मारा, वहाँ उसको बेचारे को जान से मार दिया, उसके सिर पर लाठी मारी, कोई साथ देने वाले था, अब कितना खाली हाथ गया था वो। डेड बॉडी बीच पे रखी है तो? हाँ जी, हम कहते हैं भाई कितना ने मारा उसको, जल्दी जल्दी अंदर करो। हाँ जी, क्या मांगे हमारी? ये मांग है भाई, हमारे किस बंदे ने मारा है उसको जल्दी जल्दी अंदर करो, कितने बंदे हैं? क्या नाम है आपका? उसको अरेस्ट कर लिया था, 10 दिन के बाद उसकी जमानत हुई। अब एक गरीब आदमी है, ये पूरा बीजेपी के जो आदमी है वो उनके बारे में कार्रवाई कहता है तो कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं है। ठीक है, एक आजाद MC जो गरीबों के बारे में उठ के बात करता है तो उसको अंतर खा के घर कर लिया जाता है। अभी यहाँ ना कोई गरीबों की कोई बीजेपी वाले सुन रहे हैं, ना कोई मेयर सुन रहा है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है। करे तो ये क्या करे गरीब आदमी जिन्होंने कल परसों को 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, चाहे तक नहीं पी, आपके सामने भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? अभी बॉडी यही रखी हुई है, ये कब? ये परिवार वाले कह रहे हैं, इनके और भी आदमी आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक कोई कार्रवाई। क्या था मामला? क्या था सर सारा मामला? कुछ नहीं था सर, होली पे ये थोड़ा बड़ा हुआ था,
वो दूसरा भाई छटवाने घर गया, समझाने गया, उसको भी मार के राड, उसका भी अब ये हाल हुआ पढ़ाई है पढ़ाई। पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम के बाद यहाँ आया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे ख्याल में, तो कोई हो ही नहीं। संस्कार कब करेंगे? संस्कार तो जब करेंगे, जब इनका कोई मसला हल होगा। सारा पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस तो आपके सामने आए, वो कह रहे हैं तीन पकड़े हुए, वहाँ कोई पकड़ा नहीं। अभी 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 हमारी रजिस्ट्री से बात हुई थी, वो कह रहा है एक आदमी पकड़ा है, बाकी वो भी गरीब आदमी है, उनको कहाँ से पकड़े। ये उनके बयान कुछ है, ये इंस्पेक्टर साहब के बयान कुछ और है। क्या इन पे यकीन करे और क्या ना करे? तीन बंदे पकड़ लिया हमारे सामने, पेश करो, तीन बंदे पकड़ लिया इन्होंने। हाँ, मैंने इनका पुलिस वाले सामने तीन बंदे कातिल घूम रहे हैं, फिर सब कुछ में गिरफ्तार भी नहीं करे और हम लोग को धमका कर वापिस भेज दिए, ये क्या बात है? पुलिस वाले झूठा शासन दे रहे हैं अभी। हाँ जी हाँ जी, कोई तीन बंदे गिरफ्तार के साथ पुलिस वाला भी। अगर घर वाले बोलते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं करते तो आपको ही धमकाया जाता है? हमें धमकाया जाता है, हम हमारे को कानून सिखाओगे तुम सब, ऐसा कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, इसमें पुलिस वाले भी कातिल का साथ दे रहे हैं, हम लोग का साथ नहीं दिया पुलिस वाले ने। अब आपने डेड बॉडी बीच चौराहे में रख दी है? हाँ जी, हमने इसने सड़क जाम किया, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, एक विधवा माँ की इंसाफ चाहिए। नहीं, जो इसकी मौत हुई है उनका नाम सरोज है, सरोज नाम है जी। हाँ जी, उसके भाई को चोटें लगे को भी? हाँ जी, वो भी उनका भी, उनका भी काफी घायल है। क्या नाम है आपका? रीता। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।